दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के क्रम में गोला पुलिस की टीम ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से 800 ग्राम से अधिक गांजा व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, गोला थाना क्षेत्र के गांव खोपा पार से दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबर की बरामद हुई है और NDPS में 865 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसके आधार पर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, गिरफ्तारी हो चुकी है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सर, इनका पुराना भी कोई आपराधिक इतिहास है? अब इनका आपराधिक इतिहास वगैरह ये सारी विवेचना का विषय है कि इनकी छानबीन की जाएगी कि इनके पिछले क्या रिकॉर्ड्स हैं। फिलहाल अभी जो थाने से जितनी जानकारी मिली है वो